अस्सलाम वालेकुम क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर अब हमारा वाइंड अप होने जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चैप्टर इस नौइयत के एतबार से बहुत अहम है कि इसमें आपके फ़ाइनल जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें फुल फ्लेज क्वेश्चन बन के आता है, यानी ए बी पार्ट दोनों आते हैं, ठीक है। रिग्रेशन कोरिलेशन एंड एनालिसिस आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपका एक पूरा सवाल लॉन्ग में और शॉर्ट में मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही, वो आता है। और इसलिए मैं आपको इस चैप्टर में से असाइनमेंट दे रही हूँ, जो कि जैसे ही कॉलेज खुलेंगे मैं आपसे चेक कर लूँगी। एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन का टू का बी, क्वेश्चन नंबर टू के बी, ये आपने असाइनमेंट में करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर फोर का बी पार्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट असाइनमेंट में सेवन का ए पार्ट करना है। उसके बाद नाइन का ए और बी, ये दोनों पार्ट करने हैं। ये एक्सरसाइज 14.1 में से हो गए। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे अपनी कारवान की किताब से। 14.2 में टू का ए और टू का बी आप लोग तैयार करेंगी असाइनमेंट में। थ्री का ए, फोर, फाइव, सिक्स, ये क्वेश्चंस आप लोग करेंगी। एट का बी और सी पार्ट, ठीक है। टेन और इलेवन, ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं जो कि आपने लाजमी तैयार करने हैं। थैंक यू।